सैयदना पी नकीरहमान साहब सजादा नशीन आस्थाना आलिया ईदगाह शरीफ बशाश उजाम उलमाए अहले सुन्नत और अकीदत बंदों का एक जम्मे वफीर है जो साहिब उस को अकीदत का नजराना पेश करने आए हैं। आपकी आंखों में जो मोहब्बत है, जो आजजी है, जो खलूस है, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी हाजिरी कबूल करे। मैं आज भी साफ यहां किसी सरकारी रुतबे और ओहदे को सामने रखकर नहीं आया, मैं आज उस फखर से आया हूं कि मैं झाड़ू बरदार हूं शेखुल इस्लाम हजरत बहाउद्दीन ज़करिया के आस्थाने पर, जिन्होंने आज से तकरीबन 770 साल पहले तबलीग इस्लाम के लिए और आकाए नामदार की सुन्नत के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी और उसका तोहफा याद आने गवाह है। उसका तोहफा यह है कि सदियां बीत गई, आपके जिगर बैठे हैं कि करम शाह साहब, मुझे याद है आपके वालिद का आस्थाने पर आना और अपने वालिद के और जब मैं इनसे मोहब्बत देखता था पूरा नक्शा मेरी आंखों के सामने आ गया। हालत आपको देख कर वो तोहफा उसको मिल गया कि आज 7 सदियां बीत गई लेकिन आशिकों का ताता बना, लोग आ रहे हैं, लोग कहते हैं कि आस्थानों पे क्या करने आते हो, क्या लेने आते हो। मैं आज इस विसर्ज में से पूछता हूं, इन आस्थानों से फैज मिलता है तो आते हो ना कि नहीं मिलता, मिलता कि नहीं मिलता, तो बोलो। घबराहट से नहीं, जो औलिया अल्लाह के आस्थानों के मानने वाले हैं और जो आशिकाने रसूल हैं, मेरा ईमान है तुम्हारी हाजिरी आएगा नहीं जाएगा। ये वो सही का आस्थाना है जो किसी को खाली मोड़ता नहीं, चाहता नहीं है मोड़ने के, ये खाली मोड़ते ही नहीं है। ये सजादगान तो जिंदा है। मैं कहता हूं लोग के जहां चाली को हाथ लगाने की इजाजत
ताकत नहीं है। जहां चाली को हाथ लगाना चूमने की दावत नहीं है, वहां चाली खुल जाए लगाने की दावत मिल जाए। चाहेंगे क्या चाहेंगे? मैं समझता हूं तो पांव रख के नहीं गए, घुटनों और कोनियों से गए। आपकी नजर है, ये आपकी नजर है कि आपने उन चीजों को जो अपनी आंख से देखा। अजान हो चुकी है, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। मैं अभी माजरत चाहता हूँ, इतनी बड़ी हस्तियाँ हैं कि मैं ताखीर से आया, मैं कौमी असेंबली से आ रहा हूँ और कौमी असेंबली में मैंने जो बात करनी थी वो आज मैं कर गया और मैं करके आया हूँ। मैं आपकी खिदमत पेश कर दूँ। आज सुबह जब मैं उठा तो मेरी नज़रों से वो कैनेडा का दर्दनाक वाकया गुजरा। वो पाँच मुसलमान कैनेडियन पाकिस्तानी बेगुनाह बेकसूर, उनको रौंदा गया, गाड़ी के नीचे रौंदा गया। उनका गुनाह क्या था? वो लिबास से, शक्ल से, अमल से मुसलमान थे, उनको रौंद दिया गया। मैं आज मैंने मुतालबा किया है और मैं इस पिंडाल से ये गुजारिश लेकर आया हूँ पाकिस्तान के वजीर खारजा के तौर पर, क्योंकि मुझे यह एहसास हासिल है कि इमरान खान साहब के कहने पर मैं नैरानी गया। गुजरा खारजा का एक जम्बे रफीफ का 57 गुजरा खारजा मौजूद थे और मैंने वहां कहा कि अल्लाह ने मुझे ये एहसास दिया कि मैंने कहा कि इस्लामोफोबिया तो पूरे मगरब में एक नया ट्रेंड बन रहा है। उम्मा के मुसलमानों, उम्मा के गुजरा खारजा, पाकिस्तान की ये करारदाद इमरान खान के कहने पर मैं तुम्हारी खिदमत में लेकर आया हूँ। इस करारदाद पर गौर करो और इस्लामोफोबिया के खिलाफ बंद पार्टने के लिए पाकिस्तान के हम कलाम हो जाओ। हजरत अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तफिक का इत्तफाक राय से करारदाद मंजूर हो गया। मैं आज कह रहा हूं कि ये जो वाकया हुआ है कनाडा में, मैं मोहतरमाना गुजारिश कर रहा हूं पूरी इस्लामी दुनिया, यूरोप में 65 मिलियन मुसलमान रह रहा है, कनाडा में 2 मिलियन मुसलमान बसता है, अमेरिका में 6 मिलियन मुसलमान जिंदगी गुजार रहा है, यक सला हो जाओ और उनके गम में शरीक हो जाओ, उनके आंसू पोंछ दो। और उलमा की यह महफिल है, मशाइख की यह महफिल है, इंसाफ आपका हुक्म होगा हम तामील कर देंगे। मेरी गुजारिश है कि आने वाले जुमा, आज है मंगल, जुमे के रोज पाकिस्तान की हर मस्जिद में उन मासूम
उन मासूस मासूम खानदान के लिए गायबाना निभा देना पाना। मैंने किया है कि किसने किया है? वाह वाह कमली वाले जिसने तेरी शान में गुस्ताखी की, बोला यहाँ का ना वहाँ। जिसका मैं गवाह हूं वो आप सबको नहीं बताना चाहता हूं, और फिर पूछना चाहता हूं कि जिनके लिए हुजराए अम्मी आयशा खुल जाए, जब दुनिया कहे नामुमकिन है और वहां आंसुओं के साथ मेरा अल्लाह गवाह है, सबसे पहले जो शख्स नीचे उतरता है कहाँ जाने के लिए, मवाजा शरीफ पे हाजिरी के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा अदहर को खोला जाता है, और जो शख्स आंसुओं की लड़ी लेके जरूर शरीफ की नजराने जाते हैं। एक ही बात कहना चाहता हूँ, जहाँ ऐसे मुर्शिद हो ऐसे मयूर लोग हो वहाँ खत्म नबूवत का चौकीदारा होता है, डाका नहीं होता, कोई डाका नहीं डाल सकता। हम खत्म नबूवत के चौकीदार कैप्टन थे, आप भी हैं, और खून के आखिरी कतरे तक वो मुल्क है जो मदीना मुनव्वरा की रियासत के बाद वो पहली रियासत है जिसका इस्लाम के नजरिए में ख्याल हुआ है। ठीक है, और ऐसे भी पाक का मतलब जो है ना, वो मदीना पाक है ना, तो पाक का मतलब तैयबा है और सिदान का मतलब मदीना है। पाकिस्तान का तो नाम बता रहा है ये मदीना तैयबा की शहरात है। ईदगाह का स्टेज जो है ये याद रखिएगा, ये हमारा सियासत से ताल्लुक नहीं है, हम सियासी लोग नहीं हैं और ना ही आइंदा कभी भी हमारा, क्योंकि ये लोग बहुत सारा सवाल भी करते हैं, आइंदा भी कभी भी जिंदगी में हमारा सियासत में आने का कोई इरादा नहीं है। हमारा सियासत से नहीं, लेकिन रियासत से बहुत ज्यादा ताल्लुक है। ठीक है, मैंने शाह महमूद कुरैशी साहब किबला को जो खड़े करके सिराज तहजीब पेश किया, ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने नहीं बात की, ये पाकिस्तान के वजीर खारजा हैं पूरी दुनिया में। अगर उधर जाके किसी ने फलस्तीनियों के लिए, इस्लामोफोबिया के लिए नामूस रिसाला
बात की हम बात की तो पाकिस्तान के वजीर खारजा के बात की। हमारा ये दुश्मन खड़ा होगा, इसकी अहम तरीन वजह यह है कि हमारा इस रियासत से कल भी ताल्लुक था, आज भी ताल्लुक है और इंशाल्लाह साथ में आखिर ताल्लुक रहेगा। एक बात मैं यहां कहना चाहता हूं, याद रखिएगा किबला, याद रखिएगा ये बात बड़ा गौर से सुन लीजिए कि पाकिस्तान इस्लाम का किला है और पाकिस्तान की जो फौज है ना, ये पाकिस्तान की नहीं, यह अलग है इस्लाम की फौज, ये इस्लाम की फौज है। पाकिस्तान की फौज जो है ये सिर्फ पाकिस्तान की सरहदों पे पहरा देने के लिए नहीं है, पाकिस्तान की फौज इस्लाम की सरहदों पे पहरा दे रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अफवाज पाकिस्तान और इसके सिपा सालार आज 8 जून 2021 को हजारों के सिस्टम में जो लोगों का ठाठ मारता हुआ सरों का समुंदर है माशाल्लाह, इसमें पाकिस्तान की तकरीबन बड़ी दरगाहों के सरदार के साथ खड़े होकर मैं कहना चाहता हूँ अफवाज पाकिस्तान को और बिलखसूस हमारे सिपा सालार जनरल बाजवा साहब को, क्या पाकिस्तान की हिफाजत की खातिर, पाकिस्तान की सर बुलंदी की खातिर, इस्लाम की सर बुलंदी की खातिर जो कदम उठाएंगे या रसूल अल्लाह कहने वाले इस्लाम और पाकिस्तान के लिए साथ खड़े हो, हाथ उठा के बोलो इस्लाम और पाकिस्तान के लिए जो कदम उठाया जाएगा इंशाअल्लाह हम साथ खड़े होंगे। अल्लाह ताला हम सबको इस्लाम और पाकिस्तान का साथ, सबसे पहले इस्लाम के साथ फिर इस्लाम के इसके लिए पाकिस्तान के साथ वफादार रहने की तौफीक अता फरमाए। बाकी ये कंफ्यूजन बड़े गौर से दूर कर लीजिए, लोग कहते हैं सियासी, हमारा सियासत से ना कभी ताल्लुक रहा, ना सियासत से कोई ताल्लुक है ना होगा, हमारी इखानका का ये मिजाज है, लेकिन जो हमारे मशाइख सियासत में हैं जिस नशा सा और अपनी जिम्मेदारियों को इस आसान तरीके से जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं, उनके साथ खड़ा होना, उनकी ऐसी आवाज़ को जो है वो फिराज तहसीन पेश करना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है।